खेल दिवस के मौके पर टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले रेसलर बजरंग पुनिया और टोक्यो 2020 में शानदार प्रदर्शन करने वाली टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को उत्तर पूर्वी दिल्ली के सासे पार्क में स्थित CISF ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में CISF के अधिकारीगण और खिलाड़ी मौजूद रहे। इस मौके पर दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि कड़ी मेहनत से ही सफलता हासिल होती है। वहीं रेसलर खिलाड़ी बजरंग पुनिया का कहना था कि उनकी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में वे देश के लिए और भी मेडल जीत कर लाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। पर्सनली मुझे क्रिकेट पसंद है, पर यस, अभी जो दूसरे स्पोर्ट्स में जो सारे प्लेयर्स जो हमारे साथ ही बैठे हैं, अभी जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं, सारे स्पोर्ट्स में मेडल आ रहे हैं, और क्रिकेट के अलावा भी लोग जो टीवी चलाते हैं बस क्रिकेट नहीं देख रहे, दूसरे स्पोर्ट्स भी देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आई थिंक हम अगर ऐसे ही कंट्री के लिए खेलते रहे और जीतते रहे तो हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे क्रिकेट है अभी। बैडमिंटन में भी पीवी सिंधु, फिर साइना नेहवाल, बॉक्सिंग में मैरी कॉम जो अभी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक इस लेवल से खेलते रहे तो इंडिया बहुत ऊपर तक जा सकता है हर स्पोर्ट में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आईडी पर करना भैया, उन्होंने मुझे यहां पे बुलाया। वो नीचे रखो, अच्छा योग्य समझा कि मैं खिलाड़ियों को भी, खिलाड़ी हैं सभी टीम में आए हैं, उतरे ना यार टीम में है, मैं इनको मोटिवेशन की बात ये है कि आप जितनी भी आप मेहनत करेंगे, इतनी आप मेहनत करें, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे ये करना है। एक टारगेट होता है आदमी का, हाँ ये मुझे करना है, तो वो एक दूसरे से, जैसे अभी ये जी साहब ने बुलाया है यहाँ पर, तो खिलाड़ियों को देख के ही खिलाड़ी सीखते हैं, क्योंकि हम भी उस चीज़ में रहते थे, खिलाड़ियों को देख के भी हम ये खिलाड़ी हैं, इनको देख के हम आगे बढ़ेंगे। तो वही चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ खिलाड़ियों को, कि जो और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन करें, देश के लिए बहुत सारी मेहनत। जैसे क्रिकेट को दर्जा मिला हुआ हिंदुस्तान में, वैसे और खेलों को मिले तो शायद हम जो ये 8-10 में मेडल ला पाते हैं, इसमें बढ़ोतरी होगी जैसे दूसरे कंट्री करते हैं। बिल्कुल, क्या ये कमी रह पा रही है बजरंग जी? अब की बार बिल्कुल भी कमी नहीं रही। अब की बार क्रिकेट के मैच चल रहे थे, शैडो ओलंपिक चल रहा था, लोगों ने ओलंपिक को देखा, क्रिकेट को नहीं देखा, तो ये हमारे और खेलों के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनके खिलाफ बोलूँगा, पर एक ये नहीं कि भाई एक ही चीज़ को आप उस चीज़ को भगवान बना लें। जो चीज़ें 10 देश खेलते हैं, 12 देश खेलते हैं वर्ल्ड कप को, और ये सभी जो 206 कंट्री है सभी खेलती है ओलंपिक गेम्स को, जो भी ओलंपिक गेम्स सेंटर, तो बिल्कुल अब की बार जो चलाया था चेयर फॉर इंडिया प्रधानमंत्री जी ने, वो जो मुहिम चलाई थी, ऐसा पहली बार हमें देखने को मिला कि ओलंपिक को इतना ज़्यादा फॉलो किया गया। कोई भी आदमी हमसे मिलता है सभी ये बोलते हैं कि भाई हमने ये बाउट देखी है, हमने ये बाउट देखा, हमने ये मैच देखा, तो इससे हमें खुशी मिलती है कि भाई हाँ कि लोग अब ओलंपिक को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, TB का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93।
आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211-4789-1041-8312, 9911-4183-12। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।